दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने कर दिया ऐलान, वनडे विश्व कप से ठीक पहले भारत को चुनौती देने आएगी विश्व चैंपियन इंग्लैंड। तो इंग्लिश टीम के खिलाफ भारत कितने मैचों की सीरीज खेलेगी, कब होगी यह बदले की श्रृंखला और किन किन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका, बताएंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले रोमांचक सीरीज का पूरा शेड्यूल। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, साल 2023 में टीम इंडिया फर्स्ट शेड्यूल बेहद बिजी है, जिसके साथ ही साथ टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार हो चुकी है। पहले बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने रौंदा, तो फिर न्यूजीलैंड के बंदे में सुपड़ा साफ करने के बाद टी20 में भी बुरी तरीके से धूल चटा दी, जिसके बाद अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आज सिर चढ़कर बोलने वाली है। इन चार टेस्ट मैचों की सीरीज में पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इससे ही हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक फाइनलिस्ट भी मिलेंगे। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा और अहम टूर्नामेंट तो वनडे विश्व कप के रूप में हिंदुस्तान के सरजमी पर होने जा रहा है। आपको बता दें, वनडे विश्व कप अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा, उसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। लगभग हर महीने में टीम इंडिया वनडे सीरीज खेलती हुई नजर आएगी। हालांकि अप्रैल और मई में सभी खिलाड़ी आईपीएल में भी व्यस्त रहेंगे, उसके बाद भारत जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगा, उसके बाद एशिया कप और फिर भारत आएगी इंग्लैंड की टीम, जहां सितंबर महीने में भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मुकाबलों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी। यह सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला खेलकर वनडे विश्व कप में हिस्सा लेगा। ऐसे में सितंबर महीने में होने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बात करें इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया के शेड्यूल की, तो अभी बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर महीने की शुरुआत में ही इन दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 2 सितंबर, दूसरा 4 और आखिरी मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाएगा। वही यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वेन्यू की बात करें तो पहला मैच मोहाली में, दूसरा मैच महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड रांची में और तीसरा मैच लखनऊ में हो सकता है। वैसे भारत और इंग्लैंड के बीच हमेशा ही मुकाबला कांटे का तो होता ही है, अब एक बार फिर से वनडे विश्व कप के ठीक पहले यह श्रृंखला भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जहां टीम की अगुवाई रोहित शर्मा ही करते हुए नजर आएंगे और उनके साथ ओपनिंग करते हुए केएल राहुल या फिर शुभमन गिल और नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आएंगे। इसके बाद टीम में कई सारे बदलाव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि तेज गेंदबाज विभाग में जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी, ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या, जो कि भारतीय टीम के उपकप्तान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आप भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली वनडे सीरीज के लिए कितना एक्साइटेड हैं, और साथ ही आपको क्या लगता है, इस सीरीज में रोहित सबसे ज्यादा रन बनाएंगे, कोहली या फिर सूर्य? अपने राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।